भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी बेहद मशहूर है। आज हम आपको भोपाल के एक ऐसे स्थान की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो अपने भीतर न जाने इतिहास के कितने रहस्यों को समेटे हुए है। आज आप हमारे साथ चलेंगे सतधारा की यात्रा पर। सांची के बौद्ध स्तूपों की पहचान दुनिया भर में है। यूनेस्को ने भी इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। पर क्या आपको पता है कि सांची से 11 किलोमीटर दूर पश्चिम में दो बड़े बौद्ध मठ और लगभग 29 छोटे स्तूप भी बने हुए हैं जो करीब 2500 साल पुराने हैं। जी हाँ, इसी स्थान का नाम है सतधारा। ये स्थान भोपाल विदिशा मार्ग पर रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल से करीब 1 घंटे की यात्रा कर सतधारा तक पहुंचा जा सकता है। शांत परिवेश में पहाड़ी पर स्थित सतधारा की ऊंचाई से हलाली नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। माना जाता है कि ये स्तूप मौर्य काल के दौरान बनवाए गए थे और इस स्थान की खोज 1853 यानी कि 1853 में की गई थी। सतधारा का अर्थ होता है सात धाराएं। यहाँ के स्तूप हलाली नदी के किनारे करीब 28 एकड़ की जमीन पर बने हुए हैं। हजारों साल पुराने होने के कारण कई स्तूप जर्जर हो चुके हैं, जबकि कई को जीर्णोद्धार के जरिए पुनर्जीवित किया जा रहा है। पहले इस स्थान पर लगभग 14 मठ हुआ करते थे, पर समय बीतने के साथ देखरेख के अभाव में कई खत्म हो गए। यहाँ बने स्तूप लगभग 13 मीटर तक ऊंचे हैं। इन स्तूपों पर प्राचीन कालीन रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि 4 से 7 ईस्वी पुरानी हैं। 1853 में इंडोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्तूप नंबर 2 को तोड़कर उसमें प्रवेश किया था, पर तब उन्हें इन स्तूपों के निर्माण का कारण पता नहीं चल पाया था। इतिहासकारों के अनुसार इन स्तूपों के निर्माण के पीछे की कहानी आज भी अनसुलझी है। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय और उनके बाद बनाए गए ये स्तूप शांति के स्थल थे और यहाँ बुद्धिस्ट साधु साधना और शांति के लिए रहा करते थे। अपने देश की परंपरा, शिल्प और वास्तुकला के शानदार धरोहर को देखने और समझने के लिए आपको एक बार इन स्तूपों को देखने जरूर जाना चाहिए जो पूरे विश्व भर में शांति का प्रतीक है। सतधारा स्तूप भोपाल के टीटी नगर से 46 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए निजी टैक्सी किराए पर लेना सबसे अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही यहाँ कुछ और भी स्थान हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे सांची के स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं और हलाली बांध।